भवानी में रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक कर सरकार को एक बार फिर मांग पूरी न होने पर निर्णायक आंदोलन करने और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर 22 दिसंबर को डीजी रोडवेज कार्यालय का घेराव करेंगे और फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रेवाड़ी में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस गंभीर नजर आ रही है। रेलवे में महिला सुरक्षा को लेकर हुए महिला डिब्बों में अब महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी, साथ ही रात को भी ड्यूटी पर महिला पुलिस तैनात रहेंगी। रेलवे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के आदेशानुसार रेवाड़ी जीआरपी थाना प्रभारी ने रेल वार्डन और रेलवे पुलिस के साथ मीटिंग कर उन्हें महिला सुरक्षा में तत्पर रहने के आदेश दिए। भिवानी शहर के पुराना बस स्टैंड पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए पार्क में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए ढहा दिया गया। इस जगह पर अब जल्द ही पार्क बनाया जाएगा। फरीदाबाद के सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक चार्जिंग कंपनी में सुबह लगी भयंकर आग से अफरातफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल कर्मियों की एक गाड़ी ने करीब एक घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। फतेहाबाद के टोहाना में अवैध तरीके से विदेशी सिगरेट बेचने वाली दुकान पर जिला स्वास्थ्य विभाग का छापा। विभाग की टीम ने मौके से 6000 सिगरेट बरामद की और दुकानदार को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद राम रहीम को सर्दी सता रही है। ठंडे पानी से राम रहीम को डर लगने लगा है। आलम यह है कि राम रहीम जेल में अंगीठी पर पानी गर्म करके नहाने पर मजबूर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर चल रहे रंजीत मर्डर और रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। छत्रपति हत्या मामले में दो आरोपियों ने कोर्ट में नए वकीलों के लिए अपील की है। दोनों मामलों में 22 दिसंबर और 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 इलाके में एक गेस्ट हाउस में निजी एयरलाइंस की ट्रेनी एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी थाना में बिटकॉइन एक्सचेंजर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दो इन्वेस्टर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। कैथल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को पैसे दोगुने करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से नोटों की 80 गड्डियां और एक स्विफ्ट कार बरामद की है।